हेलो एवरीवन, आज हम जिस टर्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फोनेटिक्स। हमेशा की तरह इस टर्म को बहुत ही क्लियरली इजी लैंग्वेज में समझेंगे, उसके बाद इस एक्सप्लेनेशन का इजी नोट्स देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फोनेटिक्स एक साइंटिफिक टर्म है जिसमें साउंड के प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन को स्टडी किया जाता है। मतलब कि हम जो बोल पाते हैं वो कैसे बोल पाते हैं, और हमारे बोलने से लेकर सुनने वाले तक के बीच में जो एक मीडियम आता है एयर, उसमें हमारा साउंड जो है वो कैसे ट्रेवल करता है और सुनने वाला हमारा साउंड कैसे सुन पाता है, इसी चीज़ को इस फोनेटिक्स में स्टडी किया जाता है। और जब हम किसी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले लैंग्वेज के वर्ड्स के साउंड को स्टडी करते हैं, और फिर उस वर्ड्स के साउंड को कंबाइन करके लैंग्वेज बनाया जाता है। मतलब कि जब हम बोलते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स को मिला करके बोलते हैं, और उस वर्ड को बहुत सारे साउंड्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। जैसे कि ए सी आर, ये सारे एक साउंड से, ए भी एक साउंड से, सी भी एक साउंड से और आर भी एक साउंड से। लेकिन अगर इसी को सिस्टमेटिक तरीके से कंबाइन किया जाए तो ये एक वर्ड्स बन जाएगा, जैसे कि कार। अब यहाँ पे कार एक वर्ड है जो अलग अलग साउंड से मिलकर बना है, और इसी साउंड को फोनेटिक्स में पढ़ा जाता है। ऐसे ही अलग अलग बहुत सारा लैंग्वेज होता है, और उन बहुत सारे लैंग्वेज में भी बहुत सारा वर्ड्स होता है, और उन वर्ड में भी बहुत सारा साउंड्स होता है जो आपस में कंबाइन हो करके कुछ ना कुछ वर्ड्स बनाता है जिसे हम ह्यूमन बीइंग्स बोल पाते हैं। फोनेटिक्स लिंग्विस्टिक का ही एक ब्रांच है जिसमें साउंड्स को स्टडी किया जाता है। अब यहाँ पे साउंड की बात आ ही रही है तो हमें पता होना चाहिए कि साउंड्स दो तरह की होती है, पहली कंसोनेंट साउंड्स और दूसरी वोवेल साउंड्स। यहाँ पे हमें पता है कि जब हम बात करते हैं तो उस टाइम में हमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, और जितने भी वर्ड्स हैं वो पूरे अल्फ़ाबेट से मिलकर बने होते हैं, और ये पूरा अल्फ़ाबेट अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करता है। जैसे कि ए एक अलग साउंड है, बी एक अलग साउंड है, इसी तरह ए टू जेड अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस होता है। और हमें पता है कि ये पूरे अल्फ़ाबेट को वोवेल और कंसोनेंट पार्ट में बांटा गया है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि कंसोनेंट साउंड्स को जब हम बोलते हैं तो बोलते दौरान हमारे मुँह में कुछ ऑब्स्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। मतलब कि इस साउंड को बोलने के लिए हमें पहले दोनों लिप्स को बंद करना पड़ता है, तब ये साउंड्स रिलीज होता है, जैसे कि पी बी। दूसरे साउंड में बताया जाता है कि इस साउंड को बोलने के लिए मुंह में कोई ऑब्स्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं होता है, जैसे ए ओ। अब इतना समझने के बाद फोनेटिक्स के जो ब्रांचेज है उसे देख लेते हैं। फोनेटिक्स की स्टडी को तीन मेन ब्रांचेज में डिवाइडेड किया गया है। पहला अकोस्टिक फोनेटिक्स, दूसरा आर्टिकुलेरी फोनेटिक्स और तीसरा ऑडिटरी फोनेटिक्स। अकोस्टिक फोनेटिक्स में ट्रांसमिशन साउंड्स को पढ़ा जाता है जो किसी ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इस फोनेटिक्स में हम ह्यूमन बीइंग जो बोलते हैं और वो साउंड वेव जो एयर में ट्रेवल करता है वो कैसे ट्रेवल करता है, उस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, उस साउंड वेव का ड्यूरेशन कितना है, और उस साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी जो है वो किस तरीके से वैरी कर रही है, इस तरह की स्टडीज़ अकोस्टिक फोनेटिक्स में की जाती है। और इस फोनेटिक्स में ह्यूमन जो बोलते हैं और उस टाइम जो उसके वोकल ऑर्गेन का जो यूज़ होता है, वोकल ऑर्गेन से जो साउंड वेव निकलती है वो कैसे निकलती है, स्पीकर से लिसनर तक कोई भी साउंड वेव कैसे पहुँचती है, इस चीज़ के बारे में अकोस्टिक फोनेटिक्स में जान पाते हैं। दूसरा है आर्टिकुलरी फोनेटिक्स। इस फोनेटिक्स में साउंड के प्रोडक्शन को स्टडी किया जाता है। मतलब कि हमारा जो वोकल ऑर्गेन साउंड प्रोड्यूस करता है वो किस तरीके से प्रोड्यूस करता है, इस चीज़ को स्टडी करते हैं आर्टिकुलरी फोनेटिक्स में, जिसमें लिप्स और टंग के आर्टिकुलेट होने से साउंड वेव निकलता है और एयर के द्वारा ट्रेवल करता है। इस फोनेटिक्स में वोकल ऑर्गेन जैसे कि टीथ, टंग, लंग्स, ग्लॉटिस, प्लेट को बहुत ही क्लियरली पढ़ा जाता है। और तीसरे फोनेटिक्स में साउंड के रिसेप्शन को पढ़ा जाता है कि किस तरह हम किसी भी साउंड को सुन पाते हैं, और किस तरह हमारा एयर, ब्रेन और ऑडिटरी नर्व्स जो है वो साउंड को परसीव करने में हमारी मदद करती है। इस फोनेटिक्स में साउंड की क्वालिटी, लाउडनेस ऑफ वॉइस और साउंड को स्टडी किया जाता है।